जनपद संबल के विकासखंड बनियाखेड़ा के सभागार में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा CDPO रचना यादव की अध्यक्षता में गोष्ठी का आयोजन किया गया और पोषण पखवाड़ा भी मनाया गया, जिसमें गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। हालांकि बाल विकास विभाग द्वारा हर वर्ष मार्च माह में पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, 1 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे व 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया जाता है, ताकि सभी बच्चे स्वस्थ रहें। इस मौके पर काफ़ी संख्या में आंगनबाड़ी व सहायिकाएँ मौजूद रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। क्या उद्देश्य इसका? देखिए, 9 से 23 मार्च तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन पहले से किया जा रहा है। प्रतिवर्ष हम पोषण पखवाड़े का आयोजन मार्च में करते हैं। आज ये गोष्ठी इसलिए आयोजित की जा रही है कि एक तरीके से पोषण चौपाल इसको कह लीजिए, कि हमारे जो पोषण पखवाड़ा का जो थीम है, तीनों थीम है, उनके विषय में हमने आज यहाँ पर डिस्कशन किया है लाभार्थियों से भी और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों से भी, कि फील्ड में उनके विषय में क्या फीडबैक है। कितनी प्रतिभागियों ने भागीदारी अदा की है? आज 190 लोग यहाँ पर उपस्थित थे जिन्होंने यहाँ पर प्रतिभाग किया है। और हमारा मेन फोकस यहाँ पर था 3 थीम पर, पोषण भी पढ़ाई भी, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ कैसे पोषण का ध्यान हम रखें, और दूसरा हमारा था कि गर्भवतियों के खान पान के लिए और उनके लिए हम कैसा ध्यान रखें, उनको आराम कैसा मिले। अच्छा, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों से क्या प्रतिभागी आए हैं? सभी आंगनवाड़ी केंद्रों से प्रतिभागी बुलवाए गए हैं। अगर कहीं से नहीं आए हैं तो उनका विशेष कारण होगा, ऐसे कहीं कहीं पर टीकाकरण का सेशन आज आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि आज शनिवार है तो वहाँ से नहीं आए।